बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नए सऊदी अरेबिया में पहुंचे हैं और आपने कंपनी या कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर ऑलरेडी आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसी कफील या कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, या फिर आपने दूसरी जगह पर नकल कफाला किया और नया कॉन्ट्रैक्ट किया और आप 3 महीने के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी तरह कंपनी या कफील आपको टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। निजामुल अमर सऊदी अरेबिया की जानिब से इसमें वजाहत दी गई है। लेकिन यहां पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल खलीज खबर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज यहां पर शेयर करते रहते हैं। निजामुल अमर सऊदी अरेबिया की जानिब से कहा गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट दौराने प्रोबेशन पीरियड यानी 90 दिन के अंदर, जब आपका कंपनी के साथ अक्द हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 90 दिन के अंदर अंदर आपके पास भी हक है और आपकी कंपनी या कफील के पास भी हक है कि वो आपको टर्मिनेट कर दें या फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट उससे खत्म कर लें। लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम चीज बताई गई है कि अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें लिखा हुआ है, आपकी कंपनी की जानिब से या कफील की जानिब से लिखा हुआ है कि उनके पास ये हक है कि 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, तब ही आपको वो टर्मिनेट करेंगे। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा हुआ तो तब आपकी कंपनी और आपके कफील के पास भी ये हक नहीं होता कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो आपको आपकी जॉब से फारिग कर दें। एक चीज याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपके पास रिटर्न होनी चाहिए। आपके पास कोई चीज लिखी हुई नहीं होगी, आपके पास बाकायदा कंपनी की सिग्नेचर स्टैंप नहीं होंगे, आपने साइन नहीं किए होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। या फिर अगर आपने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आपने रिजाइन करना है 90 दिन के अंदर, तो फिर आपको रिटर्न या ऑनलाइन ही कफील या कंपनी को आपने इन्फॉर्म करना होगा कि आप अपनी जॉब मजीद जारी नहीं रख सकते, अदरवाइज आप नुकसान में जा सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।